ओके सो वेलकम बैक टू द टेक वॉक। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल का सब वेट कर रहे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ 5,000 से लेके ऊपर हम कितना जा सकते हैं उन सारे फोन्स की डील्स, और आईफोन्स की डील्स मैं सेपरेट बताऊंगा। और हाँ, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा लेट मिले क्योंकि आज मैं 6 अक्टूबर को अभी ये शूट कर रहा हूँ। ऊपर से फिर हमारी कैमरा वुमन भी अभी मायके गई हुई है, तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, तो उनको नजरअंदाज कीजिएगा और वीडियो को फोकस करते हैं। प्राइसेस की बात हो जाएगी, लेकिन उनसे पहले आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक जो सेल्स में जो प्राइसेस आती है बहुत ही मिसलीडिंग होती है। आपको दिखाएंगे 75,000 की MRP, अरे यार आपने जब फोन लॉन्च किया था MRP पे तो लॉन्च किया नहीं था, तो अभी सेल में MRP दिखाने का क्या ही मतलब है। उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि हाँ ये 50,000 में हमने कर दिया और इस सेल प्राइस में आपको 30,000 में मिल रहा है। यार इतना डिस्काउंट नहीं मिलता, समझने की बात है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस में मिल सकता है हाई बजट फोन्स में, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं मिलता। सेकंड है एक्सचेंज ऑफर। बहुत सारे दिखा रखे हैं कि आपको एक्सचेंज ऑफर पे इतना ऑफ मिलेगा, लेकिन जब आपके फोन एक्सचेंज करने की बारी आती है तब इतने चेक्स करते हैं कि आपकी जो फोन की एक्चुअल प्राइस होगी वो भी घटा देंगे, तो इस प्राइस का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, हमेशा होता है, हो सकता है आपको जितनी प्राइस बताई उतनी मिल भी जाए, सो इस चीज को भी ध्यान में रखना। और फाइनल वैल्यू पे आप नोट करेंगे तो कार्ड ऑफर्स भी बहुत सारे होते हैं। आई नो सबके पास कार्ड नहीं होते, लेकिन अगर आपको डील्स का फायदा उठाना है तो यार दोस्त किसी से भी कार्ड अरेंज करके आप अपना काम निकाल लीजिए। और ये प्राइसेस पे आपको स्टार लगे दिखते हैं, आपको इससे समझ जाना चाहिए कि ये जो प्राइसेस ये डिस्काउंटेड है आफ्टर बैंक ऑफर्स या फिर एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी कि प्रीवियसली उसकी प्राइसिंग क्या रही थी, तो प्राइस हिस्ट्री और प्राइस बिफोर ये दोनों वेबसाइट्स चेक करें, और इनमें आप जो भी प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट करेंगे उसकी प्राइस हिस्ट्री दिखा देगा कि वो प्रोडक्ट जब से लॉन्च हुआ उसकी प्राइसिंग क्या क्या रही है। और प्ले स्टोर में प्राइस हिस्ट्री की ऐप भी अवेलेबल है, और प्राइस हिस्ट्री आपको चेक करने के बाद में लगे कि ऑफर्स में कुछ खास नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लें, क्योंकि बिना सेल के भी बहुत बार फोन्स की प्राइस डाउन आती है। बहुत बार सेल से कुछ दिन पहले प्राइस बढ़ा दी जाती है और फिर वापस कम कर दी जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगला है ये प्री बुक का लफड़ा। आपने अमेजोन पे अगर चेक किया होगा तो S23 FE और Nord CE3 Lite, IQ Neo 7 Pro और Lava Agni 2, इन पे 99 rupees में प्री बुक का ऑप्शन दिखा रखा है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनमें देखेंगे तो जिन्होंने प्री बुक किया है उनके लिए स्टॉक लास्ट रहेगा। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें लिख रखा है कि सेलर कभी भी प्राइस चेंज कर सकता है और अमेजन की कोई गारंटी नहीं होगी। ऑल्सो आपने नोट किया होगा बहुत जगह लिख रखा होता है ऑफर लास्ट टिल स्टॉक एंड, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और बाद में ये ऑर्डर कैंसिल करना वगैरह ये सब चलता रहता है, जैसे लास्ट ईयर आईफोन की डील्स में हुआ था। ऑल्सो दोस्तों प्राइम और प्लस मेंबर्स के लिए सेल लाइव हो चुकी है एज यू नो, तो जो प्राइसेस अपडेट हुई है मैं वो स्क्रीन पे करेक्शन कर दूंगा। ऑल्सो आप जब नोट करेंगे तो जो डिस्काउंट मिल रहा है अभी भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पेज में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमेजोन पे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पेज पे 4,250 का डिस्काउंट दिखा रखा है SBI के क्रेडिट कार्ड पर। बट अब हम उस पर क्लिक करके इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि SBI के क्रेडिट कार्ड पे 1,750 ऑफ दिखा रखे हैं, लेकिन अब आप नीचे आएंगे तो 1,500 और ऑफ दिखा रखे हैं, लेकिन वो है EMI ट्रांजेक्शंस पे। अब फर्दर नीचे आएंगे तो ये 500 रुपए डिस्काउंट भी आपको SBI के क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, लेकिन 18 मंथ्स एंड अबाव के EMI पे। इसी तरीके से अगला 500 रुपए डिस्काउंट भी है, लेकिन वो 9 मंथ्स एंड अबाव के EMI ट्रांजेक्शन पे। तो आप अपने यार दोस्त से क्रेडिट कार्ड तो अरेंज कर लेंगे, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसी तरीके के डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर भी है। जैसे कि आप डिटेल में जाएंगे तो 10% ICICI क्रेडिट कार्ड पे दिखा रखा है, और ये 1,000 रुपए नहीं है, नीचे आपको और भी बहुत सारे डिस्काउंट्स दिखा रखे हैं ICICI क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन उनमें ध्यान से देखिएगा वो EMI ट्रांजेक्शंस पे। तो ये कुछ गलत नहीं है, आपको डिस्काउंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन एक बार पहले चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर 20,000 से 30,000 में आपको इनसेन वैल्यू फॉर मनी फोन्स चाहिए तो उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, और वो फोन्स मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा। ओके सो मैंने कंप्लीट लिस्ट बना रखी है, और ये नोटबुक को इग्नोर कीजिएगा और डील्स पे फोकस करिएगा। तो टेक्निकली 5,000 के फोन की बात करें तो ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे में हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सबसे पहला फोन है Lava UR2। आपको 3GB की रैम मिलती है, 64GB स्टोरेज मिलता है, HD+90Hz डिस्प्ले, Unisoc T606 प्रोसेसर, मतलब काफी फीचर पैक फोन है। आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, इसकी प्राइस अभी 7,000 है, और 10% कार्ड ऑफर्स पर आपको ये 6,300 पे मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको Moto E13 मिलता है, सेम प्रोसेसर है लेकिन उसमें आपको 60Hz डिस्प्ले मिलती है, उसमें आपको 8/120 स्टोरेज भी मिलता है। तो उसका 464 वेरिएंट की बात करें जिसकी प्राइस 6,499 बता रखी है, और 10% डिस्काउंट के बाद में वो आपको 5,849 का मिल जाएगा, जो कि मुझे काफी सॉलिड डील लगे। अगला फोन है Redmi A2, जिसकी 464 वेरिएंट की प्राइस 6,799 बता रखी है। इसमें आपको Helio G36 मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकें तो मोटो का 8/128 वेरिएंट भी मिलता है, जिसकी प्राइस अभी 7,499 है, और 10% ऑफ होने के बाद वो 6,749 मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है। अगला फोन है Samsung Galaxy M04, जिसकी लोवेस्ट प्राइस 6,999 रही है, Android 12, 2 साल के OS अपडेट, बट यहाँ पे आपको Helio P35 मिलता है जो कि काफी स्लो हो जाएगा, तो अपडेट्स का लेके क्या ही करेंगे, उससे अच्छे ऑप्शन आपको आगे बताऊंगा मैं, और अभी ये 6,499 का मिल रहा है। अगला ऑप्शन है Poco M5, जिसका 464 वेरिएंट 7,777 में बता रखा है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2, Helio G99, थोड़ा सा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, Full HD+90Hz डिस्प्ले, Gorilla Glass 3, 5,000 mAh बैटरी, 18W का चार्जर, लेदर लाइक टेक्सचर, सब कुछ दे दिया इसमें। ये आपको ऑफर्स के बारे में 6,999 मिलेगा। Samsung M04
4 से बेटर डील लगी मुझे। अगला ऑप्शन है Realme Narzo N53। इसका 464 वेरिएंट आपको 9000 में दिखा रखा है। यूनिसॉक्स T612, 33 वॉट चार्जर, 90 हर्ट्ज फुल HD प्लस डिस्प्ले, और ये 1000 रुपए का कूपन लगने के बाद में आपको 8000 में मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखें, अगर लो बजट में आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है Motorola का G14। प्रीवियसली 10000 पे था, लेकिन डील प्राइस में आपको ये 9000 पे मिल रहा है। 5000 mAh बैटरी, यूनिसॉक्स T616 प्रोसेसर, ड्यूल स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस, वीगन लेदर बैक, फुल HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ही मिलती है, और ये ऑफर लगने के बाद आपको 8099 में मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है Poco M6 Pro 5G। इसमें आपको Snapdragon 4 Gen 2, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट का फास्ट चार्जर और फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी प्रीवियसली लोवेस्ट प्राइस 11000 रही है और डील प्राइस में आपको 10000 में मिलेगा, और बैंक ऑफर्स लगाने के बाद में आपको 9000 में मिलेगा। सॉलिड डील। अगला ऑप्शन है न्यूली लॉन्च Itel का P55 5G। आपको 5G मिलता है, 10 5G बैंड भी मिल जाते हैं, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी, डायमेंसिटी 6080 और HD प्लस डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। इसका 6128 वेरिएंट 10000 में लॉन्च हुआ है और बैंक ऑफर्स के बाद में आपको ये 9000 में मिल जाएगा, और मैं कहूंगा कि 10000 के अंदर ये सबसे सॉलिड डील है। अगले फोन की बात करें तो ये है सैमसंग का M14 5G। काफी सॉलिड फोन है, 6000 mAh बैटरी, 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। हाँ, बट आपको इसमें चार्जर नहीं मिलता। इसकी लोवेस्ट प्राइस प्रीवियस में 14000 गई है और अभी इसका 4120 वेरिएंट आपको 12000 में मिल जाएगा, और 1500 बैंक ऑफर्स के बाद में ये 10500 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन मुझे इससे काफी अच्छी डील लग रही है, नोकिया का G42 5G। अगर आप नोकिया के फोन की तरफ जाना चाहते हैं तो काफी एक कंप्लीट पैकेज है। स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 20 वॉट का फास्ट चार्जर और 5000 mAh बैटरी और 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिल जाते हैं। इसकी लोवेस्ट प्राइस प्रीवियस में 12500 थी, आपको इसका 6128 वेरिएंट 12000 में दिखा रखा है और बैंक ऑफर्स के बाद में ये 10800 में मिलेगा। ओके, अगली डील है Realme Narzo 60X 5G, जिसका 4128 वेरिएंट 13000 में मिलता है और डील में आपको ये 12000 में मिलेगा और बैंक डिस्काउंट्स के बाद में ये आपको 10800 में मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है। अगला फोन है Moto का G54 5G, डायमेंसिटी 7020, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जर, ड्यूल स्पीकर्स, डॉल्बी एटमॉस, IP52 रेटिंग और 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले। इसका 8128 वेरिएंट आपको 14000 में मिलता है और बैंक ऑफर्स के बाद में आपको 13000 में मिल जाएगा। अगला है Samsung का M34 5G। इसका 6128 वेरिएंट प्रीवियसली लोवेस्ट 19000 पे गया है और अभी आपको यह 16500 में मिल रहा है, और कार्ड ऑफर्स लगने के बाद में ये आपको 15000 में मिल जाता है। 6000 mAh बैटरी, Exynos 1280, 120 हर्ट्ज सुपर AMOLED डिस्प्ले, ऑल्दो वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, OIS कैमरा और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो इनके साथ कौन से फर्क पड़ता है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, चार्जर नहीं मिलता, आई गेस गुड जॉब सैमसंग। अगला ऑप्शन फिर से Motorola का मिलता है, Moto G84 5G। अब आप इस बैनर में देखिए Flipkart को फोन बेचने की इतनी जल्दी है कि इन्होंने इसमें IP68 144 हर्ट्ज कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले भी दे दी। आपको इसमें Snapdragon 695 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जर और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर Dolby Atmos के साथ मिल जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 12256, जो कि 20000 में लॉन्च हुआ था और अभी आपको 18000 से मिलेगा, और ऑफर्स के बाद में आपको 17000 में मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है। अगला ऑप्शन भी काफी अच्छा है, Lava Agni 5G। ये फोन 22000 में लॉन्च हुआ था और डील प्राइस में आपको 20000 में मिलेगा, और अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो आपको 18000 में मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है। एंड अगेन, अगला ऑप्शन फिर से आपको Motorola का ही मिलता है, Motorola का H40 Neo। इसका 8128 वेरिएंट ऑलरेडी इतनी अच्छी प्राइस में मिल रहा है 21000 में, और बैंक ऑफर्स के बाद में आपको 20000 का मिल जाता है। आपको इसमें IP68 144 हर्ट्ज कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, OIS कैमरा, डायमेंसिटी 7030, 5000 mAh बैटरी और 68 वॉट चार्जर, काफी अच्छी डील है। अगला ऑप्शन है IQ Z7 Pro। इसका 8128 वेरिएंट आपको 24000 में मिलता है और 500 रुपए कूपन से और 2000 रुपए बैंक ऑफर्स के साथ में यह आपको 21500 में मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी डील है। अगला ऑप्शन है OnePlus का Nord CE3। यह आपको 27000 में मिल रहा है। यह अलग बात है कि 15 सितंबर को इसकी प्राइस 22800 से भी चली गई थी। इसमें 2000 का कूपन और 2000 बैंक ऑफर्स के बाद में यह आपको 23000 में मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है। Snapdragon 782G, गुड कैमरा, 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, सॉफ्टवेयर साइड को देखते हुए काफी अच्छी डील। अगला है Nothing Phone 1, Snapdragon 778G Plus और 50 मेगापिक्सल डुअल बैक कैमरा, और अभी भी 2 एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, एक काफी अच्छी डील। इसका 8128 वेरिएंट आपको 27000 में मिलता है और बैंक ऑफर्स के बाद में आपको ये 24000 में मिलता है। ओके, सो अगला ऑप्शन है फिर से Motorola का। आप बोलेंगे मैं Motorola का प्रमोशन कर रहा हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। Motorola H40, जो कि 30000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था और डील प्राइस में आपको ये 25000
में मिलेगा, और वहीं आप बैंक ऑफर्स लगाएंगे तो आपको 24,000 में मिल सकता है, और उस प्राइस पे ये काफी सॉलिड डील है। अगला ऑप्शन है OnePlus का Nord 3 5G, 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैच, डायमेंसिटी 9000 और 1.5K के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, जिसका 8/128 वेरिएंट आपको 34,000 में मिलता है, और ये बैंक ऑफर्स के बाद में आपको 29,000 में मिलता है, और इस प्राइस पे ये काफी अच्छा फोन है। अगला ऑप्शन है सैमसंग S21 FE 2023 एडिशन, इसका 8/128 वेरिएंट आपको अभी 46,000 में मिलता है, और 8/256 वेरिएंट 50,000 में मिलता है। अगला ऑप्शन है IQ का Neo 7 Pro, ये काफी अच्छी डील है, इसका 8/128 वेरिएंट आपको भी 35,000 में मिलता है, और डील प्राइस में आपको ये 33,000 में मिलेगा, और आफ्टर बैंक डिस्काउंट ये आपको 31,000 में मिल जाएगा। तो इस प्राइस पे काफी अच्छी डील है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलता है, और कैमराज भी काफी डिसेंट है, तो गेमिंग करने वालों ये काफी अच्छा मौका है। और अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन चाहते हैं तो पिक्सल 7 है, यूजुअली 44,000 में मिलता है, लेकिन ऑफर्स में 31,500 में मिलेगा। अगला है OnePlus 11R, इसका 8/128 वेरिएंट आपको अभी 40,000 में मिलता है, और 3,000 के कूपन और 2,000 के कार्ड ऑफर्स के बाद में आपको 35,000 में मिलेगा। तो पिक्सल 7 42,000 में फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, और ऑफर्स में आपको 36,500 मिलेगा। अगला ऑप्शन है नथिंग फोन 2, ये फोन ऑलरेडी बहुत ही ओवर प्राइस लॉन्च हुआ था, इसका 128 वेरिएंट आपको 45,000 में मिलता है, लेकिन इस डील पीरियड के दौरान आपको ये 40,000 में मिलेगा। वहीं 3,000 के बैंक ऑफर्स के बाद में ये आपको 37,000 में मिल जाएगा, और इस प्राइसिंग पे काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो अगला ऑप्शन है सैमसंग का S22, ये लास्ट ईयर का फ्लैगशिप है, ये भी आपको 55,000 में मिल रहा है, और पास्ट में बात करें तो ये 50,000 प्राइस पे भी गया है, लेकिन अभी ऑफर्स के बाद में ये 40,000 में मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी डील है। अगला ऑप्शन है सैमसंग का न्यूली लॉन्च S23 FE, इसका 8/128 वेरिएंट आपको 60,000 में मिलता है, और बैंक ऑफर्स के बाद में ये आपको 50,000 में मिल जाएगा। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में फिलहाल के लिए इस फोन को स्किप करना, और परचेस करना ही चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिएगा। अगला ऑप्शन है OnePlus का 11 5G, जिसका 8/128 में आपको 57,000 में मिलता है, लेकिन 4,000 के कूपन और 3,000 के बैंक डिस्काउंट के बाद में ये आपको 50,000 में मिल जाएगा। नॉट ए ग्रेट डील, पर अगर आप वेट कर रहे थे सो हियर इट इज। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन फिर से एक कॉम्पैक्ट फोन है, सैमसंग गैलेक्सी S23, इसका 8/128 वेरिएंट फिलहाल के लिए 75,000 में मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर्स के बाद में आपको 62,000 में मिल जाएगा। अगला जो ऑप्शन बताने वाला हूँ ये काफी सॉलिड डील है, सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra, इसका 12/256 वेरिएंट यूजुअली 95,000 पे रहता है, और अभी बात करें तो 4 अक्टूबर को ही ये 81,000 में मिल रहा था। ओके, सो अभी डील की बात करें तो ये आपको 85,000 में मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफर्स के साथ में आपको इसमें 11,250 का ऑफ मिलेगा, और EMI ट्रांजेक्शन पे 13,500 का, काफी सॉलिड डील। ओके, अगले ऑफर्स हैं आईफोन्स के लिए, आईफोन 12 आपको करंटली 49,000 में मिल रहा है, और डील में आपको ये 39,000 में मिलेगा। 3,000 के बैंक ऑफर्स के बाद में ये आपको 36,000 में मिल जाएगा, और हाँ एडिशनल एक्सचेंज ऑफर भी बता रखा है। अब बात करते हैं आईफोन 13 की, जिसका 128 वेरिएंट अभी 51,500 में सेल हो रहा है, लेकिन ये डील प्राइस में 46,000 में मिलेगा, और 2,500 SBI बैंक के ऑफर के बाद में ये आपको 43,500 मिल जाएगा। और हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 3,500 का एक्सचेंज ऑफर भी बता रखा है, जो मिले ना मिले क्या पता। ओके, आईफोन 14 का 128 वेरिएंट एज ऑफ नाउ 65,000 में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से 45,000 से 50,000 के बीच में आएगा, और आप नोट करेंगे तो आईफोन 13 और 14 में कोई डिफरेंस नहीं है, गो फॉर आईफोन 13। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आईफोन 14 प्लस का 128 वेरिएंट 74,000 में सेल हो रहा है, और इस बैनर में अभी तक पूरी प्राइस रिवील नहीं हुई है, तो मेरे आइडिया से 55,000 से 60,000 के बीच में मिल जाना चाहिए। ओके, सो ये सारे स्मार्टफोन डील्स जो मैंने आपको बताई, और अगर अभी भी कोई ऑप्शन रह गया हो जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में भी कवर्ड नहीं है और काफी अच्छी डील हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि कोई और भी उसका एडवांटेज ले सके। और अभी भी बहुत सारे फोन्स रह गए होंगे यार, इतने ऑफर्स दे रखे हैं, पता नहीं उन प्राइसेस पे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। ये तो सेल स्टार्ट होने पे नहीं, आपके पास फोन आ जाएगा तभी पता चलेगा। ओके, सो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं टेक वॉक, मैं हूं प्रशांत, मैं लाता हूं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग एंड यूजफुल वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।